हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? ऐसे करता हूँ, आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट। तो कौन से प्लांट हैं जो डेजर्ट में आपके होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा है, क्लाइमेट इन डेजर्ट इज़ हॉट, ड्राई एंड डस्टी। तो डेजर्ट का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? हॉट होता है, ड्राई होता है और डस्टी होता है। देर इज़ द शॉर्टेज ऑफ वाटर, वहाँ पर पानी की शॉर्टेज होती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डिसएडवांटेज, प्लांट ग्रो इन डेजर्ट विथ सर्टेन स्पेसिफिक फीचर। इसका मतलब क्या है कि इतने सिर्फ डिसएडवांटेज होने के बाद भी वहाँ पे प्लांट क्या होते हैं, आपके स्पेशल फीचर के साथ पैदा होते हैं और रहते भी हैं। सर्टेन प्लांट लाइक अकेसिया और बबूल, देखिए अकेसिया और बबूल का पेड़, जिसे हम कीकर के नाम से भी जानते हैं, हैव स्मॉल लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसपिरेशन। तो इसकी जो पत्तियाँ होती है बहुत ही छोटी होती हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो, यानी कि पानी का जो लॉस है वो कम हो। ट्रांसपिरेशन द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीफ। तो ट्रांसपिरेशन क्या है? वाटर लूज करने का एक प्रोसेस है, ठीक है, जो वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा से निकलता रहता है। यहाँ पे देखिए ओलंपियाड बाइट में क्या लिखा है, डेजर्ट ओक एक प्लांट होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में मेनली पाया जाता है। इसकी जो रूट्स होती हैं वो उस प्लांट के ट्रंक से कितनी 30 टाइम्स क्या होती हैं, लॉन्गर होती हैं, जो नीचे की तरफ गई होती हैं। द रूट्स गो वेरी डीप इन टू द ग्राउंड टू रीच वाटर। और इसकी रूट्स कहाँ पर जाती हैं? ग्राउंड वाटर में, बहुत ही नीचे चली जाती हैं। और ये क्या करती हैं, अपने ट्रंक में, अपने ट्रंक में क्या करती हैं, पानी स्टोर करती हैं, ठीक है ना? क्यों, ठीक है ना? देयर इज़ नो वाटर इन डेजर्ट। उसके बाद लोग क्या करते हैं कि इनके जो ट्रंक होते हैं उनमें पाइप डालते हैं और वहाँ से पानी निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब पानी पी लेते हैं पीने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं, सम प्लांट्स हैव डेट पाम, जैसे कि कुछ पाम आपके कौन से, जैसे डेट पाम का पेड़ है, और ये स्ट्रॉन्ग और हार्ड लीव्स इनकी होती हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये सर्वाइव करने के लिए हॉट डेजर्ट में, ये सर्वाइव करने के लिए क्या होती हैं, ठीक रहती हैं। जैसे डेट पाम है, कैक्टस का प्लांट है, ये सब कहाँ पे होते हैं आपके? ये सब आपके होते हैं किसमें? डेजर्ट में, ठीक है। जैसे यहाँ पे एकेसिया ट्री है, यहाँ पे डेट पाम है। अगला है, सर्टेन प्लांट्स लाइक मेस्क्वाइट ट्री हैव रूट्स दैट गो डाउन अप टू 20 मीटर अंडर द ग्राउंड इन द सर्च ऑफ वाटर। तो देखिए एक प्लांट होता है मेस्क्वाइट ट्री, ठीक है ना, मेस्क्वाइट ट्री। तो मेस्क्वाइट ट्री की जो रूट्स होती है वो 20 मीटर्स क्या होती हैं, ग्राउंड के नीचे चली जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए ओलंपियाड बाइट में क्या दे रखा है, इन सम डेजर्ट प्लांट स्टोमेटा आर फाउंड डीप इन टू द लीव्स रेदर इन ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव, हेंस दे आर कॉल्ड संकन स्टोमेटा। दिस रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा। देखिए इसमें क्या होता है, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी बहुत सारी ऐसी जो स्टोमेटा होते हैं वो बहुत ही लीव्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक ठीक है, लीव्स के। तो इससे होता क्या है कि इससे जो उनका ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर लॉस होता है, वो बहुत ही कम होता है। और ऐसे जो आपके स्टोमेटा होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, संकेन स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, सर्टेन प्लांट्स लाइक कैक्टस हैव लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। तो देखिए जो कैक्टस का प्लांट होता है, इसमें कांटे निकले होते हैं, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं मॉडिफाई हो जाती हैं कांटों में, हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस थ्रू द स्टोमेटा। और ये क्या करते हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, मतलब कि वाटर वेपर जो है उसको कम करते हैं। दीज स्पाइंस डिस्करेज एनिमल्स हैव ईटिंग देम। तो यहाँ पे जो आपके स्पाइंस होते हैं उससे एक फ़ायदा वो भी है कि कांटे लगे रहते हैं तो कोई भी दूसरे जानवर उनकी पत्तियों को नहीं खाते हैं, ठीक है। द ग्रीन स्टेम स्टोर्स वाटर एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। और इसकी जो ग्रीन स्टेम होती है उसमें क्या स्टोर होता है, वाटर स्टोर होता है। अगला है, प्लांट्स ग्रोइंग इन स्वैम्प और मैसी एरिया, यानी कि दलदल की जगह पे, कीचड़ वाली जगह पे जो आपके प्लांट होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, मार्सेस हैव क्ले सॉयल विद द प्लेंटी ऑफ वाटर। तो देखिए क्ले सॉयल होता है, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। द सॉयल इज स्टिकी एंड डस नॉट हैव इनफ एयर टू रूट्स। देखिए अब क्या होता है कि जो क्ले ऑयल होता है, क्ले सॉयल होता है ना, वो थोड़ी सी चिपचिपी होती है। तो चिपचिपी होने की वजह से क्या होता है कि उनके बीच में एयर कम होता है और प्लांट को सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर है, टू विथ स्टैंड दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम से यहाँ पे है, द ट्री ग्रोइंग इन मार्सी एरिया। और ऐसे जो प्लांट होते हैं मार्सी एरिया में, दलदली एरिया में आपके क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आउट ऑफ द वाटर लॉस सॉयल ब्रीदिंग एयर अलॉन्ग साइड नॉर्मल अंडर वाटर रूट्स। तो देखिए यहाँ पे अंडर वाटर रूट्स में क्या होता है, इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे इस तरीके से रूट्स देखिए इनकी बाहर निकली होती हैं जमीन के बाहर, ठीक है ना। तो जो रूट्स इनकी बाहर निकली रहती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं या न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। मैंग्रोव ट्री ग्रोज इन मार्सेस। तो मैंग्रोव ट्री जो होते हैं ये आपके कहाँ पे होते हैं,
दलदली एरिया में होते हैं, जैसे कि सुंदरी ट्री, ठीक है ना। सुंदरी का जो ट्री है वो मैंग्रोव ट्री है, और ये कहाँ पे बनाया जाता है, सुंदरबन के डेल्टा में पाया जाता है। प्लांट्स ग्रोइंग इन सी कोस्ट यानी समुद्र के किनारे उगने वाले पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे। दीज कोस्टल एरिया हैव हॉट एंड वेट क्लाइमेट। तो देखिए जो कोस्टल एरिया होते हैं यहाँ पे आपका गर्म और वेट क्लाइमेट होता है, और यहाँ पे कोस्टल एरिया में जो भी प्लांट आपके होते हैं, साल्टी वाटर होता है क्योंकि समुद्र का पानी साल्टी होता है, ठीक है ना। तो साल्टी वाटर में और स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी रेनफॉल, यहाँ पे जो प्लांट आपके होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्लांट्स ग्रोइंग इन सी कोस्ट, ठीक है ना, समुद्र के किनारे होने वाले। तो देखिए यहाँ पे कोकोनट ट्री है आपका, ठीक है ना, ये भी आपका सी एरिया में होता है। पीपर प्लांट भी आपका सी एरिया में होता है, ठीक है। चलिए अगले यहाँ पे आते हैं, द ट्री ग्रोइंग हेयर यूजली टॉल एंड स्ट्रेट। तो यहाँ के जो प्लांट होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। दे हैव क्राउन ऑफ जेंट फीदर लाइक लीव्स एंड अलाउ द विंड टू पास थ्रू। दे आर अडेप्टेड टू ग्रो वेल इन साल्टी वाटर। देयर फ्रूट्स एंड सीड्स आर स्कैटर्ड बाई वाटर। सम एग्जाम्पल ऑफ ट्री कोकोनट पीपल। देखिए इनके जो क्राउन होते हैं वो जेंट होते हैं, बड़े होते हैं, फीदर्स लाइक इनके लीव्स होती हैं, और इसमें से विंड भी पास हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये साल्टी वाटर में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। इनके जो फ्रूट्स और सीड्स होते हैं वो वाटर के थ्रू डिस्पर्सल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे, जैसे कि प्लांट इसमें कौन सा है, कोकोनट और पीपल। अब देखिए एडाप्टेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक का मतलब पानी में जो प्लांट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर, तो देखिए प्लांट्स पानी में जो ग्रो करते हैं, जैसे पॉन्ड्स में, लेक्स में, सी में, ओशन में, ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। एक्वेटिक प्लांट आर दैट थ्री टाइप्स, तीन तरीके के होते हैं एक्वेटिक प्लांट, कौन कौन से, फिक्स, फ्लोटिंग और अंडर वाटर प्लांट्स। अगला है फिक्स प्लांट, तो देखिए तीन तरीके होते हैं फिक्स प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। फिक्स प्लांट क्या होते हैं, द रूट्स ऑफ सच प्लांट्स आर मच रिड्यूसेस एंड फिक्स टू द मड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। तो जैसे मान लीजिए पॉन्ड है, उसके नीचे जाके तली में आप देखेंगे तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वहीं पर रहते हैं, जिनकी रूट्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी होती हैं। द स्टेम सॉरंग, इनकी स्टेम लॉन्ग होती है, हॉलो होती है, और साथ ही साथ ये लाइट होते हैं, फ्लेक्सीबल होते हैं, मतलब कि हल्के होते हैं और लचीले भी होते हैं। दे स्टे अफ्लोट एंड कैन बेंड ईजली विद द वेव्स ऑफ वाटर। और ये क्या होती है, जैसे पानी की वेव्स आती है तो उसमें ईजली बेंड भी हो जाते हैं, ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। देयर लीव्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट विच हेल्प इन सेइंग अफ्लॉट गेट टू एयर सनलाइट टू फोटोसिंथेसिस। और क्या होता है, सनलाइट जब इनको मिलती है तो ये भी आप क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। स्टोमेटा क्या होता है, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं उनके सबसे ऊपर होता है, ठीक है ना, और ये साथ ही साथ उससे ईजली ब्रीद कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद द लीव्स ऑफ फिक्स प्लांट हैव द वैक्सी कोटिंग। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है ना, इसकी जो नीचे की परत है, इसके नीचे तो क्या है, पानी है, ठीक, ऊपर वाले पे क्या होता है, वैक्सी कोटिंग होता है, यानी कि वैक्स का जैसा कुछ लगा रहता है इसमें। इससे क्या होता है कि इनकी पत्तियाँ उसमें सड़ती नहीं है और पानी इनके पत्तियों के ऊपर टिकता नहीं है, ठीक है। बस यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, तो इनको सड़ने से बचाता है, जैसे कि इसमें कौन कौन से है, वाटर लिली और लोटस। तो वाटर लिली और लोटस इस तरीके के प्लांट आपके होते हैं कि इसमें फिक्स प्लांट में होते हैं। फिर है फ्लोटिंग प्लांट। देखिए फ्लोटिंग प्लांट क्या होते हैं, जो तैरने वाले पौधे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग प्लांट बोलते हैं। तो दीज प्लांट फ्लोट फ्रीली इन वाटर एज दे हैव स्पॉन्जी बॉडी फिल्ड विथ एयर। और ऐसे प्लांट क्या होते हैं, ये फ्रीली वाटर में मूव करते हैं, तैरते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो बॉडी होती है स्पॉन्जी होती है और इनके अंदर हवा भरा होता है। दे आर नॉट फिक्स एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, और ये बॉटम से जो पानी की तली है उससे ये फिक्स नहीं होते हैं। दे आर रूट जस्ट फ्लोट बिलो द वाटर सर, और इनकी रूट्स क्या होती हैं, वाटर सरफेस के नीचे तैरती रहती हैं। दे आर स्मॉल लाइट इन वेट, और ये बहुत ही हल्के होते हैं, जैसे कि डकवीड हो गया, डकवीड का दूसरा नाम है वुल्फिया, और वाटर लेटिस जिसका नाम है पिस्टिया, ठीक है, एंड वाटर हैकिंथ, ठीक है। तो वाटर हैकिंथ ये है, इसकी देखिए रूट्स यहाँ पर नीचे तैर रही हैं, ठीक है, ज़मीन से नहीं जुड़ी होती, ये डकवीड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अंडर वाटर प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो पानी के नीचे पूरे के पूरे रहते हैं, ठीक है, तो जिसमें जैसे क्या हो जाएगा, सम प्लांट्स लाइक हाइड्रिला एंड टेप ग्रास। तो हाइड्रिला और टेप ग्रास जो आपके प्लांट हैं, ये अंडर वाटर प्लांट हैं, ये कम्प्लीटली सबमर्ज यानी कि पूरे के पूरे पानी में डूबे हुए रहते हैं, तो इन्हें हम अंडर वाटर सबमर्ज प्लांट बोलते हैं। दीज प्लांट्स हैव थिन एंड नैरो लीव्स विथ अ फ्लेक्सीबल स्टेम, और इनकी जो स्टेम होती है बहुत ही पतली होती है, इनकी जो स्टेम होती है वो फ्लेक्सीबल होती है। विथ स्टेम विद वाटर करेंट्स, और ये वाटर करेंट्स जो होते हैं उनके साथ ही क्या रखते हैं, रुके हुए रहते हैं। हाइड्रिल हैज टीनी लीव्स एंड लीव्स ऑफ टेप ग्रास आर रिबन लाइक, ठीक है, और इनकी जो
स्ट्रक्चर होता है, देखिए रिबन, रिबन के जैसे दिख रहा है ना, इस तरीके से ये होते हैं। फिर है देयर रूट्स आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, और इनकी रूट्स कहाँ होती हैं, जो पॉन्ड होता है, जो जगह होता है, उसके नीचे जाके ये क्या होती हैं, यहाँ आप देखिए ज़मीन पे ये ग्रो करती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द लीव्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स हैव नो स्टोमेटा ऑल, और जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं उनके पास स्टोमेटा नहीं होता है। दे ब्रीद द डिजॉल्व ऑक्सीजन थ्रू द देयर बॉडी सरफेस, और ये तो आपको ऑक्सीजन इनको कैसे मिलता है, तो पानी में जो ऑक्सीजन होता है उसको ये क्या करते हैं, अपने बॉडी में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अगला अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है हमारा, तो क्वेश्चन करेंगे। पहला लिखा है मैंग्रोव प्लांट ग्रो देयर रूट्स सॉइल बिकॉज, तो मैंग्रोव प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, ठीक है ना, मिट्टी में वो कैसे क्यों होती हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, द सॉयल डज नॉट हैव सफिशियंट एयर, ठीक है ना। क्वेश्चन ये पूछा था कि जो आपके मैंग्रोव प्लांट है उसकी रूट्स ज़मीन के ऊपर क्यों होती हैं, क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है, सफिशियंट एयर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पे देखिए एक्स वाई है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वाई किससे कंपेयर है, तो वाई जो है आपका यहाँ पे ये क्या है, आपका फ्रूट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रूट। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीव, ठीक है, तो वाटर लॉस को हम किस नाम से जानते हैं, तो ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, फोटोसिंथेसिस इन कैक्टस इज कैरीड आउट बाय, तो फोटोसिंथेसिस आपका कहाँ पे होता है कैक्टस में, तो ये होता है आपका स्टेम में। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट हैव स्टोमेटा, तो स्टोमेटा किस प्लांट में नहीं होता है, तो हाइड्रीला जो होता है उसमें स्टोमेटा नहीं होता है। देखिए अब हम पढ़ेंगे अनयूजुअल प्लांट्स, तो अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में हमें क्या पढ़ना है, तो देखिए अनयूजुअल प्लांट्स में आपके जैसे क्या होता है, प्लांट्स आर प्राइमरी नोन देयर ग्रीन कलर, क्योंकि हम यही पढ़ते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, क्यों, और प्लांट ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्लोरोफिल की वजह से होते हैं, ठीक है। ठीक है, और जो प्लांट होते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंस होते हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। तो इस हम इसी तरीके से जानते हैं कि ये चीज़ें प्लांट है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो अलग टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट जो कीड़ों को खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो पढ़ते हैं इसके बारे में, देयर आर सम प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट, तो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं वो क्या कीड़ों को खाते हैं, सच प्लांट्स आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट, और ऐसे प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। दीज प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, और ये ग्रीन कलर के होते ही हैं, ये अपना खाना भी बनाते हैं, लेकिन ये ऐसे सॉयल में ग्रो करते हैं जहाँ पे मिनरल्स की क्या होती है, कमी होती है, और मेनली किस मिनरल की कमी होती है, नाइट्रोजन मिनरल की कमी होती है। सो दे ट्रैप ईट इंसेक्ट टू फुलफिल देयर न्यूट्रिएंट्स, और ये क्या करते हैं, कीड़ों को फंसाते हैं और कीड़ों को खा जाते हैं, ठीक है। और कीड़ों को खाते हैं तो ये इनके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है वो उसको खा के पूरा करते हैं, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर। देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप में क्या होता है, ये आपके देख रहे हैं इस तरीके से कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई कीड़ा बैठता है ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, और यहाँ पे कुछ लिक्विड सिक्रीट होता है प्लांट की तरफ से जो उसको मार देता है, ख़त्म कर देता है, और वो डाइजेस्ट हो जाता है। और यहाँ पर पिचर प्लांट में ये इस तरीके का बॉक्स होता है, ऊपर एक ढक्कन होता है, ढक्कन ये बंद हो जाता है और यहाँ पर कीड़ा फंस के मर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इन पिचर प्लांट द लीव इज मॉडिफाइड इनटू पिचर विद द लिड ऑफ कैन ओपनिंग एंड क्लोज, अब यही मैंने आपको पिचर प्लांट बताया है कि एक ओपनिंग होता है, लिड होता है, ये बंद हो जाता है, ठीक है। द पिचर इज द स्पेशल नेक्टर, तो इनमें स्पेशल नेक्टर होता है, यानी कि डाइजेस्टिव लिक्विड होता है जो कीड़ों को पचा देता है। वेन एन इंसेक्ट कम टू फीड ऑन दिस नेक्टर, और जब भी कोई कीड़ा इन पर आता है, उस पर फीड करता है, खाना चाहता है, तो ये क्या होता है, ये इसी के अंदर फंस जाता है। द इंसेक्ट गेट डाइजेस्ट फ्रॉम द प्लांट कैन ऑप्टेन इट्स मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, जो इंसेक्ट होता है वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। फिर है आपका द लीव्स ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप आर लाइक बॉक्सेस ऑफ हिंस, तो देखिए देखिए ये जैसे दरवाज़ा बंद होता है ना, इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स के जैसा होता है, ठीक है, तो ये बंद हो जाता है वीनस फ्लाई ट्रैप। और दे हैव लॉन्ग हेयर, और देखिए इनके लॉन्ग हेयर भी हैं एजेस पे। वेन ए इंसेक्ट टचेस द हेयर, जैसे ही कोई इंसेक्ट को टच करता है हेयर को, तो लीव्स क्या होती हैं, फटाक से बंद हो जाती हैं और जो इंसेक्ट है वो इसमें फंस जाता है। द इंसेक्ट गेट ग्रेजुअली डाइजेस्टेड, और धीरे धीरे क्या होता है, इंसेक्ट जो होता है उसको ये डाइजेस्ट कर लेता है। फिर फंगी, फंगी क्या होते हैं, फंगी आर द ऑर्गेनिजम्स
कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। तो फंगस फंगी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ठीक है ना। और ये बनाते कैसे हैं, क्योंकि देखिए इनके पास तो क्लोरोफिल होता नहीं है, और क्लोरोफिल नहीं होता है तो खाना बना नहीं पाएंगे। तो ये पैदा कैसे होते हैं, जन्म कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो चीज़ें डेड हो जाती हैं या जो चीज़ें सड़ रही होती हैं, ठीक है ना, इनके ऊपर ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक। तो ऐसे प्लांट्स को जो दूसरे के ऊपर रहते हैं, इस तरीके से ग्रो करते हैं डेड और डिकेइंग प्लांट्स पे, तो उन्हें हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। अब यहाँ पे देखिए, मोल्ड्स एंड मशरूम आर सम एग्जांपल ऑफ फंगी। तो मोल्ड्स और मशरूम जो होता है ये आपका क्या है, फंगस का एग्जाम्पल है। अब ओलंपियाड बाइट में आते हैं, समटाइम्स ब्रेड स्लाइसेस चेंज कलर व्हेन यू कीप देम फॉर लॉन्गर टाइम एट रूम टेम्परेचर, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स ऑन देम। तो देखिए आप ब्रेड स्लाइसेस को देखते हैं, काफ़ी टाइम के बाद अगर उस तक उसको खुला रख दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो क्या होता है, सड़ने लगता है, बदबू आने लगती है। और उस पर जो क्यों आने लगती है, क्योंकि उस पर जो मोल्ड्स होते हैं वो आपके ग्रो होने लगते हैं। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.7 पे, यूजेस ऑफ प्लांट। प्लांट का यूज़ क्या है, तो देखिए प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, तो देखिए वो फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेबल पल्सेस ग्रेन्स स्पाइसेस नट्स, ठीक है। और दे आर रिक्वायर्ड बाई एनिमल टू सर्वाइव, और जितने भी एनिमल हैं उनके लिए ये सर्वाइव भी करते हैं। फिर है प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे बाई प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज़ यूज बाई एनिमल फॉर ब्रीदिंग। तो देखिए होता क्या है, प्लांट जो होते हैं वो दिन के टाइम में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, विच इज़ यूज बाई एनिमल फॉर ब्रीदिंग। और जितने भी एनिमल हैं या जितने भी ह्यूमन हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी की वजह से हम लोग सर्वाइव करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ मेडिसिन ऑयल रबर वुड एंड पेपर। तो देखिए प्लांट हमें मेडिसिन भी देता है, ऑयल भी देता है, रबर भी देता है, ऊल भी देता है, और साथ ही साथ पेपर भी मिलता है। प्लांट्स सच एज कॉटन जूट फ्लैक्स प्रोवाइडेड एज फाइबर। और देखिए जैसे कॉटन का हो गया, जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया, इन सबसे हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलता है, जिससे हम कपड़े बना सकते हैं, बैग्स बना सकते हैं। प्लांट्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज एट द एटमोसफियर। तो देखिए प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, कहाँ पे, एटमोसफियर में मेंटेन करते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला है, प्लांट्स हेल्प ब्यूटीफाई, और प्लांट्स हमारे आसपास के चीज़ों को क्या करते हैं, सराउंडिंग को अच्छा सुंदर बनाते हैं। बम्बू प्लांट्स आर टाल प्लांट्स, तो बम्बू जो होता है बहुत ही लंबा प्लांट होता है। दे आर यूज टू मेकिंग फर्नीचर, उससे फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, मैट्स बनाए जाते हैं, बास्केट बनाए जाते हैं। यंग बम्बू शूट आर यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स लाइक कड़ी पिकल एंड इट्स हाई न्यूट्रेटिव वैल्यू। और देखिए जो प्लांट्स की सबसे छोटी पत्तियां होती हैं, नई पत्तियां होती हैं, उनसे कड़ी बनाए जाते हैं, अचार बनाए जाते हैं साथ ही, और इनके में जो न्यूट्रिशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। सम ग्रासेस आर लाइक मेक पेपर, पेपर वॉज फर्स्ट मेड इन इजिप्ट फ्रॉम ग्रास कॉल्ड पेपरस। तो देखिए बहुत सी ऐसी घासें हैं जिनसे पेपर बनाया जाता है, और सबसे पहला पेपर आपका बनाया गया था इजिप्ट में, और वो ग्रास यानी घास से बनाया गया था, और उसका नाम क्या था, उसको हम बोलते थे पेपरस। क्या बोलते थे, पेपरस। प्लांट रूट होल्ड द सॉयल टाइटली एंड प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट इरोजन। तो देखिए प्लांट जो होते हैं वो रूट्स को टाइटली पकड़े हुए होते हैं, जिससे आपका क्या होता है, सॉयल इरोजन नहीं होता है। फिर है ड्राइड ग्रास इज यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल एंड एज साइड कवर फॉर एयर कूलर्स। तो देखिए जो ड्राई यानी कि सूखी घास होती है, आप देखते हैं आपके कूलर के बगल में थोड़ा सी मिट्टी कलर की, ठीक है ना, ब्राउन कलर की आपकी घास लगी होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। चलिए अब यहाँ पे सेल्फ टेस्ट नंबर 3 पढ़ते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट बिकॉज। तो ये क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट को, क्योंकि उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दे सॉयल इन विच दे ग्रो लैक ऑफ सब न्यूट्रेंट्स। तो जहाँ पर कुछ न्यूट्रेंट्स की कमी होती है, यहाँ पर इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, और इसी वजह से वो इंसेक्ट को खाते हैं। यहाँ पे सबसे डिफरेंट क्या है, तो यहाँ पे सबसे डिफरेंट है आपका मशरूम। क्यों, मशरूम आपका क्या है, सेप्रोफाइट है, बाकी वीनस फ्लाई ट्रैप, संडे और पिचर प्लांट, ये सब क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। थर्ड नंबर, ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये किस चीज़ का पेड़ है, तो ये आपका बैम्बू का पेड़ है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड प्लांट्स, यानी तो डेड प्लांट और डेड प्लांट से न्यूट्रिशन कौन लेता है, तो वह आपका फंगी, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लांट्स मेंटेन बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज दे टेक इन द फॉर्मर एंड रिलीज लेटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। देखिए जो प्लांट है ना, प्लांट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करता है, लेकिन कहाँ पे मेंटेन करता है, एटमॉस्फेयर में मेंटेन करता है, ठीक है, अपने अंदर मेंटेन नहीं करता, ना तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे मेंटेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे वीडियो खत्म हो रहा है, वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप कुछ पैसे पे करना चाहते हैं तो मेरे QR कोड पे कर सकते हैं, ठीक है, मैं QR कोड आपको दिखा दे रहा हूँ, और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज। तो दोस्तों ये है मेरा QR कोड, और इस QR कोड पे आप पैसे सेंड कर सकते हैं, ठीक है, आप इसे स्कैन करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते हैं तो ही आप करिएगा, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।